राष्ट्रपति ही नहीं, उपराष्ट्रपति के चेहरे की भी तलाश। 10 अगस्त को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का समाप्त होगा कार्यकाल। कब होगा चुनाव और किसे मिलेगी कमान? तो मुल्क में इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी है, मगर इस बीच एक और अहम सवाल गुम है, और वो सवाल ये कि कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। जी, राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है, लेकिन कब और कैसे, आइए वो भी आपको बताते हैं। देश में 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और उसी दिन नतीजे भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि 10 अगस्त को मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त जो हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी 6 अगस्त को जारी कर दिए जाएंगे। अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होकर 19 जुलाई तक चलने वाली है। 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, फिर उसी दिन चुनावी नतीजे घोषित भी कर दिए जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिरकार कैसे चुनाव किया जाता है उपराष्ट्रपति का, देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आइए अब वो भी जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इलेक्शन अनुपातिक प्रतिनिधि से किया जाता है। इसमें वोटिंग खास तरीके से होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। वो बैलेट पेपर पर मौजूदा उम्मीदवारों में अपनी पसंद 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता वो तय करता है। यानी उदाहरण के तौर पर 3 कैंडिडेट चुनावी रण में उतरे, तो उनमें से पहली पसंद वोटर की कौन सी है उस पर लिखी जाएगी, दूसरी पसंद कौन है और तीसरी पसंद कौन है, इस आधार पर इस चुनाव को किया जाता है। दरअसल उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 66 का इस्तेमाल होता है, और चुनाव आम चुनाव से बिल्कुल जुदा और अलग होता है। निर्वाचक मंडल में कुल मिलाकर 778 सांसद होते हैं। इनमें से राज्यसभा के 233 निर्वाचन सदस्य, जबकि 12 मनोनीत सदस्य भी इस चुनाव का हिस्सा होते हैं। लोकसभा के कुल मिलाकर 543 सांसद भी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यानी राष्ट्रपति चुनाव की तरह इसमें वोट का मान अलग अलग नहीं होता, बल्कि हर एक सांसद के वोट का मान यानी कि वोट की वैल्यू एक समान होती है। यानी मौजूदा वक्त में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो जाएगा और 4 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।